फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक के स्टॉक में आज हमने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा। 90 के ऊपर स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। रिसेंट करेक्शन में स्टॉक 82 तक स्लिप हो गया था। मैंने हमेशा कहा था इसका बाय ऑन डिप स्टॉक 84-85 के रेंज भी है। तीन चार दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। ये स्टार्ट है, हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा। आज भी स्टॉक 2% ऊपर है एंड फाइनली इसका जो टारगेट है वो 100 वो अचीव होने वाला है। मैंने हमेशा कहा है ये स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड करता है जो है 90-105। बट जिस तरह का करेक्शन हमने इस टाइम देखा, हमने कहा था कि ये स्टॉक 80 तक भी स्लिप हो सकता है, वहां पे आपको बाय करना। हालांकि 82 इसका लो था एंड वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। सो इट्स अ प्योर ट्रेडिंग बेट एंड जिस तरह का परफॉर्मेंस है डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक था। एट दैट मोमेंट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो अपसाइड है वो लिमिटेड है 97-98 एंड जब भी ये स्टॉक 92-93 के रेंज को क्रॉस करने के बाद सस्टेन करेगा डेफिनेटली जो मार्केट के दिग्गज एनालिस्ट है उनकी तरफ से बाइंग कॉल आएगा। बट आई एम सजेस्टिंग टू बाय ऑन डिप्स क्योंकि बहुत ही जल्द आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है एंड क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद सारे बैंकिंग स्टॉक में एक करेक्शन आएगा। दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तब अगर आपको ये स्टॉक फिर से इसी रेंज पे मिला आपको वहीं पे जाके स्टॉक के एक्युमुलेट करना है एंड दो महीने में आपको अच्छा खासा रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। अगर हम इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें वह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स RSI MFI जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI MFI का स्कोर है 50, MFI में 52 ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में 100 से 82 गया, 82 से 91 आ गया है। अगर हम स्टॉक का 100-200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें उसी के आसपास ही है। एक्चुअली सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज उतना ज्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि 90 के नीचे अगर स्टिप होता है तो ये 80-80 तक जाने का दमखम रखता है एंड 92 के ऊपर सस्टेन करता है। सो डेफिनेटली 93 के बाद ये 105 तक जाने का भी दमखम रखता है। ओवरऑल मेरा टारगेट 150 है बट उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आपने नीचे के लेवल पे बाय किया है डेफिनेटली होल्ड कीजिए। इन्वेस्टर्स अभी भी बाय कर सकते हो, देयर इज नो डाउट ऑन दैट कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। अगर आप इस स्टॉक के रिटर्न को देखोगे 82.5 जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का 3 मंथ लो है, 6 मंथ लो 78 एंड 1 ईयर लो 77, यानी 80 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड आई डोंट थिंक सो इसके नीचे ये स्टॉक बहुत जल्द जाएगा। अंटिनानंद बहुत खराब रिजल्ट ये स्टॉक दे दे, लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंसिस्टेंट परफॉर्मर, एनपीए घटे है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज गुड एंड हाई देखिए 107-105। सो दैट इज अ रेंज स्टॉक एंड ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है फॉर ट्रेड। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का आप है डेफिनेटली इसका सबसे बड़ा सपोर्ट 80 का आसपास है, उससे पहले 86-88 एंड ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का आप है 100-105। नाउ अगर हम स्टॉक के और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें वो है फाइनेंशियल्स। इस क्वार्टर के रिजल्ट को अगर आप देखते हो आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक का एनपीए लेवल घटा है, 3.06 से 2.80 है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए 1.05 से 0.96 है। आने वाले क्वार्टर में भी ये नीचे की तरफ आएगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। रेवेन्यू रिमेन सेम 4170 करोड़ बट जो नेट प्रॉफिट है 587 करोड़ वर्सेस 539 करोड़। कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने देखा, ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा ग्रोथ है बट डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो अच्छा है एंड डेफिनेटली ये एक स्लो मूवर स्टॉक है एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाला स्टॉक है। सो डेफिनेटली ये ऐसे स्टॉक जो है जब बढ़ना शुरू करते हैं आपको अच्छा खासा रिटर्न डेफिनेटली देंगे। मार्केट इज वोलेटाइल सो ऐसा नहीं कि हर ईयर 10% आपका मूवमेंट देगा। करेक्शन में आप बाय करोगे सो आपको लेस देन 120% भी रिटर्न मिल सकता है। सो कभी कभी प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर निचले लेवल पाई कीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर होना इज नॉट अ बैड थिंग एंड इसको आजकल हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं क्योंकि 1 ईयर ही इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन नहीं होता, 1-3 महीना भी इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन हो सकता है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीएस के साथ कंपेयर करें, इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर जितने भी बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते बट डेफिनेटली फेडरल बैंक का जो मेन पीएस है उसमें बंधन बैंक है, आरबीएल बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है एंड IDFC फर्स्ट बैंक है, जिसमें बंधन बैंक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। RBL बैंक ने भी अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है बट सभी के साथ कोई ना कोई इश्यूज होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कभी ना कभी नेगेटिव न्यूज आता है। बट कंपेयरिंग टू दैट फेडरल बैंक इज अ वेरी क्लीन स्वीट बैंक। ओनली केरला से कोई नेगेटिव न्यूज आता है वहां पे फ्लड होता है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज, क्योंकि इनका मैक्सिमम बिजनेस साउथ इंडिया में, केरला बेस्ड बैंक है। सो इनका एनपीए का खतरा बढ़ता है तभी इसमें करेक्शन आता है, अदरवाइज स्टॉक के उतना ज्यादा डिप परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो बाय ऑन डिप्स अभी आप कुछ मत कीजिए क्योंकि रेन सीजन स्टार्ट होने वाला है, हमेशा केरला में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, फ्लड आता है एंड एवरीथिंग। सो इस पर्टिकुलर बैंक पर एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ता है। सो इन दैट केस अगर ये और नीचे आता है वहां पे आपको बाय करना है एंड आफ्टर दिस मॉनसून आपको फिर से स्टॉक्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी वेट एंड वॉच कीजिए, डू नॉट बाय एट दैट मोमेंट बट डेफिनेटली नीचे मिले 80 के नीचे वहां पे आपको एक्युमुलेट करना है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें वह शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट है, जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है
म्यूचुअल फंड होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग एंड एफआई होल्डिंग। एफआई होल्डिंग 26% है, पब्लिक होल्डिंग 30% है, डोमेस्टिक डीआई का होल्डिंग 33% है। सो डेफिनेटली प्रोमोटर्स होल्डिंग इज ऑलमोस्ट नील। यहाँ पे सभी का अच्छा खासा स्टेक है, एफआई का अच्छा खासा भरोसा है, डीआई का भरोसा है, पब्लिक होल्डिंग इज ऑल्सो गुड एंड इट्स अ डिफेंसिव स्टॉक फॉर एवरीवन। नीचे मिले तो वो और ज्यादा बाइंग करते हैं, ऊपर मिले तो ये एवरेज 10-20% रिटर्न हर वक्त एफआई को देते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ डिफेंसिव स्टॉक एंड डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप्स। दो महीने का वेट कीजिए क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है, अगस्त में एक और क्रेडिट पॉलिसी आएगा। सो अगस्त के बाद अगर आप बाय करते हो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा फायदा स्टॉक से मिलेगा। वीडियो इन पर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। दिस वीडियो ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पस, आस्क यू सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।